क्योंकि प्रेयर प्रार्थना एक हमारे जीवन का सबसे बड़ा हथियार है, प्रार्थना। मैं कौर गवाही सुन रहा था प्रार्थना की, बोलो क्या है, उस बेटे की प्रार्थना नहीं थी, पर ये जो तीनों हफ्ते की जो खुदा ने छुटकारे का जो वचन दिया हमें, ये बाइबल के चिन्ह चमत्कार हमारे विश्वास पर आधारित है और वो भी लगातार बना रहा और उसकी प्रार्थना नहीं थी, बोलो, उसकी प्रार्थना नहीं थी, प्रार्थना होती नहीं थी उसकी। कई लोगों को उससे प्रार्थना नहीं होती, वो 10 मिनट 15 मिनट करें तो उन्हें आलस सुस्ती बासी आने लगती है, वो कर नहीं पाते, तो वो भी ज्यादा देर परमेश्वर के साथ बैठ नहीं सकता था। पर अपने जीवन में जब हम डिलीवरेंस छुटकारा चाहते हैं तो जब हम खुदा का वर्ड पूरा करते हैं, वचन पूरा करते हैं, तो परमेश्वर फिर छुटकारा देता है। छुटकारा एक ही किस्म का नहीं है, छुटकारा अलग अलग प्रकार का है। किसी का प्रेयर का हो सकता, किसी का फाइनेंस का, बीमारी का, कर्ज का, अलग अलग प्रकार का छुटकारा है। आत्मिक जीवन का छुटकारा हो सकता है, जो बढ़ना चाहता है आत्मिक जीवन में पर वो बढ़ नहीं पा रहा, उसे प्रेयर करना चाहता है पर होती नहीं है, वो पवित्रताई में जीना चाहता है पर हो नहीं रहा, पर परमेश्वर आपको वो छुटकारा देता है अपने वचन के द्वारा। जैसे उसकी प्रेयर का उसकी कमी प्रेयर की थी, पर उसने तीनों हफ्तों की ये मीटिंग्स को अटेंड किया, अगुवाई सुनी ना आपने, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना बढ़ा दी। कितनों को पता कितनी प्रार्थना होगी उसकी, कितनी प्रार्थना होगी, अब ऊंचा बोलो, कितनी होगी, आप मुझसे ज्यादा हो, आपकी आवाज तो रोड तक नजर आनी चाहिए, लोगों को सुननी चाहिए, कितनी होगी, 2 घंटे होगी। और जिस इंसान की एक टाइम की 2 घंटे प्रार्थना होगी है, बोलो क्या है, आने वाले दिनों में वो परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कार देखेगा। मैं सच्ची कह रहा हूं, सच्ची कह रहा हूं मैं, क्योंकि प्रेयर प्रार्थना एक हमारे जीवन का सबसे बड़ा हथियार है, प्रार्थना। बोलो क्या है, प्रार्थना, प्रार्थना ही से यहोशू ने सूरज को रोक दिया, प्रार्थना ही के कारण दानियल को भूखे शेर उसका कुछ ना बगाड़ सके, प्रार्थना ही के कारण शद्रक मेशक अबेदनगो जब जलते हुए पट्टे में डाले गए तो उनका कुछ नहीं हुआ। समझ आ रही है, प्रार्थना एक बड़ा हथियार है। बोलो क्या है, प्रार्थना ही के कारण दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी और 66 की 66 उसने जीती। प्रार्थना के कारण ही, बोलो क्या है, हन्ना ने पुत्र की आशीष पाई, बोलो क्या पाई, पुत्र की आशीष पाई। प्रार्थना ही से लोगों ने अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को पूरा होते हुए देखा। हमें एक बड़ा हथियार है, क्योंकि हम जो चाहते हैं, जो हमारी विल है, इच्छा है, परमेश्वर वही पूरा करते हैं। बोलो क्या करते हैं, वही पूरा करते हैं। और इसी के कारण बहुत सारे लोगों के काम रुके रहते हैं, पता है, प्रेयर के कारण, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में हमें कहा मुझसे प्रार्थना कर, क्या कर, मुझसे प्रार्थना कर, जो बातें तेरे लिए कठिन है, बड़ी है, तेरी समझ में नहीं आ रही, मैं तुझे बताऊंगा वो सब कैसे होगी, कैसे, प्रार्थना से, मुझसे प्रार्थना। अब प्रार्थना हो नहीं रही तो फिर जो बात परमेश्वर ने कही वो फिर कैसे पूरी होगी, समझ आ रही है, ये बहुत मेन पॉइंट है प्रार्थना का। जितने लोग इसमें, इसकी समझ में, इसके प्रेम में बढ़ जाते हैं वो कभी भी रुकते नहीं है। बोलो क्या है, दानियल के सामने एक बड़ा हालात था कि नहीं था, था ना, क्या हालात था कि 30 दिन तक
मादी फारसियों की एक विधि निकली कि 30 दिन तक अगर कोई किसी देवी देवता को दंडवत करे, उसकी पूजा करे, तो वो भूखे शेरों के आगे डाल दिया जाएगा। दानियल के सामने एक बड़ी विपत्ति थी, हालात था, वो जानता था, पर वो सच्चे परमेश्वर की मन से आराधना करने वाला था, दिल से, शरीर से नहीं, आत्मा से करने वाला था। वो दिन में 3 बार करता था, पर फिर भी वो रुका, चाहे वो हालात था कि अगर कोई करे तो वो शेरों की माद में डाल, पर वो रुका नहीं, वो फिर भी करता रहा। कई बिना वजह से कईयों को होती नहीं। इसी से ये समझ आती है कि हम शरीर में कि आत्मा में। अगर आप आत्मा में हो तो फिर आत्मा का आप कोई भी काम रोकोगे नहीं। अगर शरीर में हो तो शरीर के सारे विषय पूरे करोगे, आत्मा का कोई भी नहीं। शरीर की सब चीजें करोगे, आत्मा की नहीं। इसीलिए हम सफर करते हैं। क्या करते हैं? सफर करते हैं, सफर। पर जब हम वर्ड को पूरा करते हैं, मैंने कह रहा, यीशु मसीह ने कहा, अगर मेरा वचन तुम में होगा, तुम उसमें बने रहोगे, उसे तुम पूरा करोगे, तो जो चाहोगे वही तुम्हारे लिए हो जाएगा। बोलो क्या? तुम्हारे लिए वही हो जाएगा। आमीन।